मात्र 1.5 दिन के लिए स्कूल गए, लेकिन साहित्य जगत के सम्राट बन गए, जिनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं तो रशिया जैसे प्रगत राष्ट्र में भी सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे की पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में दीक्षा भूमि मार्ग पर अन्नाभाऊ साठे प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनाओं द्वारा माल्यार्पण कर अन्नाभाऊ के कार्य को याद किया। साहित्य रत्न लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे, जिनका नाम साहित्य जगत में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, आज उन्हीं की पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में सभी प्रकार के भेद भुलाकर सभी सामाजिक संगठन साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों द्वारा दीक्षा भूमि रोड पर स्थित लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे प्रतिमा को माल्य अर्पण किया गया। इस समय बड़ी मात्रा में राजनीतिक तथा सामाजिक दलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही साथ इस वक्त बड़ी मात्रा में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था, जहां अन्नाभाऊ साठे के कार्य एवं बहुजन समाज के उत्थान हेतु हुआ योगदान बड़ी मार्मिकता और भावनात्मकता से याद किया गया। इस वक्त प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक मिलिंद माने ने लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे को भावपूर्ण अभिवादन किया और उनके कार्य को याद करते हुए वे बोले कि अन्नाभाऊ साठे के कार्य भारत में ही नहीं बल्कि पूरे रशिया में भी याद किए जाते हैं, जहां उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। आज लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे यांचा पुण्यतिथी आहे आणि या पुण्यतिथीनिमित्त आम्ही सर्वजण अभिवादन करण्यासाठी जमलेलो आहे। एक 1.5 दिवस शाळेत गेलेला व्यक्ती साहित्याचा सम्राट बनतो, ही एक अफलातून घटना अण्णाभाऊ साठे साहेबांच्या जीवनात घडलेली आहे। इतक्या साऱ्या कादंबऱ्या तयार करणे, त्यानंतर भरपूर लिखाण करणे हे काही साधारण माणसाचं काम नाही। कमी वयामध्ये त्यांनी एवढं भरपूर लिखाण करून ठेवलेलं आहे आणि समाजाला एक प्रतिष्ठेचं स्थान मिळवून दिलेलं आहे। त्यांनी लिहिलेल्या फकिरा कादंबरीवर चित्रपट देखील झाला, त्याच्यामुळे त्यांचा रशियामध्ये मॉस्कोसारख्या ठिकाणी त्यांचा सत्कार झाला आणि त्यांचा पुतळा देखील रशियामध्ये उभारण्यात आलेला आहे। अशा अण्णाभाऊ साठेंचं जे कार्य आहे, हे कार्य समाजासाठी आणि सर्व चळवळींच्यासाठी हे प्रेरणादायी आहे। या निमित्ताने आज मी त्यांना माझ्या मतदारसंघातर्फे माझ्या परिवारातर्फे अभिवादन करतो। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।